दोस्तों, टेक न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। और आज की टेक न्यूज अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो टेक न्यूज आ रही है वो है गूगल की तरफ से गूगल मैसेजिंग पे। गूगल मैसेजेस जो है वो अब आपके OTPs को 24 आवर्स के बाद डिलीट कर देगा, और इसको अलाउ करने के लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। मीन्स कि गूगल मैसेजिंग जो है वो अब अपडेट होने जा रहा है, पर्सनल पे और ट्रांजेक्शन्स और OTPs, यानी कि आपको इससे ईज मिलेगा। हर टाइम आपको जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं तो आपको OTP खुद से डिलीट करना पड़ता है, या फिर समटाइम्स आप अगर भूल भी जाते हैं, डिलीट नहीं करते, तो फिर बाद में वो आपको यानी कि तंग करता है व्हाट्सएप। तो गूगल मैसेजिंग जो है वो एक अच्छा फीचर ला रहा है, तो आई होप कि ये फीचर आपको अच्छा लगेगा। अगली न्यूज़ आती है स्नैपचैट की तरफ से कि स्नैपचैट जो रीसेंट अपडेट हुआ है वो आईफोन यूज़र्स को बड़ा ही तंग कर रहा है, और स्नैपचैट जो है आईफोन में यानी बार बार क्रैश हो रहा है। तो कंपनी ने कहा है कि वो इसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। अब कब तक ठीक करेंगे फिलहाल इसका अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन जल्द ही ठीक करेंगे। उसके बाद तीसरी न्यूज़ आ रही है डेल की तरफ से कि डेल ने अपना एक वेबकैम लॉन्च किया है जो कि होगा 4K रिजोल्यूशन में। यानी वेबकैम की दुनिया में ये पहला वेबकैम है जो इतना हाई रिजोल्यूशन है, और 4K सिर्फ यानी के रिजोल्यूशन नहीं बल्कि वीडियो भी 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक की जो है वो होगी। अल्ट्रा शार्प के नाम से ये वेबकैम है और ऑल ओवर द वेब अवेलेबल भी है, अनाउंस हो चुका है। इसकी प्राइस जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, अब जाहिर सी बात है क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए प्राइस मैच करती है इसको। अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो ये आती है गेमर्स के लिए जो फोर्टनाइट खेलते हैं, तो उनमें लोकी कैरेक्टर जो है वो आ रहा है। थोर का भाई लोकी जो आपने मूवी में देखा होगा वो फोर्टनाइट गेम में कैरेक्टर आ रहा है, तो आई होप के गेमर्स को ये अच्छा लगेगा। उसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो अगली न्यूज़ आती है GTA 5 के लिए, विंडोज़ 10 की। विंडोज़ 10 में अगर आप GTA 5 इंस्टॉल्ड है या फिर इंस्टॉल करने लगे हैं तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल ना कीजिएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ये रिवील किया है कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 में GTA 5 का फ्री वर्जन है, पेड वाला नहीं, फ्री वर्जन जो है वो आपके PC को, आपके कंप्यूटर को हैक कर रहा है। मींस के उसमें वो एक वायरस जो है, इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं वो, जाहिर सी बात है फ्री वर्जन, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। तो जो फ्री वर्जन है उनके अंदर डीप जो है वो इंस्टॉल्ड होता है वायरस, और वो वायरस क्या काम करता है, वो माइनिंग करता है आपके PC में हैकर्स के लिए। तो इससे ना सिर्फ आपके आपका PC स्लो होता है बल्कि आपके PC की परफॉर्मेंस भी जो है वो कम हो जाती है, और साथ ही साथ आपका बिजली का बिल भी इंक्रीज होता है। मज़ीद डिटेल्ड वीडियो इसकी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, अगर लिंक नज़र नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे जाएंगे तो इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर अगली न्यूज़ पे चलें तो अगली न्यूज़ आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ड जो है वो अपडेट आ रही है मैक के लिए, जो कि राइवल होगी ग्रामरली की। ग्रामरली को ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, आपको पता होगा ग्रामरली का क्या काम है कि ग्रामर करेक्शंस वगैरह करनी होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिवील किया है कि उनकी जो है अपडेट आ रही है वर्ड में, जो ये सारे जो है वो काम करेगा जो ग्रामरली करता है। तो आई थिंक ग्रामरली का एक कॉम्पिटिटर मार्केट में जल्दी जो है वो पहुँच जाने वाला है। उसके बाद अगली न्यूज़ आती है निंटेंडो स्विच की एक प्रो लीक के तहत के इसकी जो लॉन्च डेट है वो डिले कर दी गई है। अब ये सच है या झूठ, बट ज़्यादातर जो है प्रो लीक है तो शायद ये सच ही है। उसके बाद आज की लास्ट न्यूज़ है लिंक्डइन की, कि लिंक्डइन का डेटा एक बार फिर हैक हो गया है। इसी साल लिंक्डइन का डेटा अप्रैल में हैक हुआ था, कि उस वक्त 500 मिलियन यूजर्स तक का डेटा जो है वो हैक हो गया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंक्डइन के टोटल यूजर्स जो है वो 756 मिलियन यूजर्स हैं, और जिनमें से अब जो हैक डेटा हुआ है वो हुआ है 700 मिलियन यूजर्स का। और पासवर्ड्स के अलावा
अच्छी बात यह है कि पासवर्ड्स जो है वो हैक नहीं हुए क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन पासवर्ड्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा डेटा जो है वो हैक हो चुका है, जिसमें आपका नाम, आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपकी कंपनी प्रोफाइल, जितने भी आपका यानी पर्सनल और सेंसिटिव डेटा था, पर्सनल या पब्लिक जो भी डेटा है ना, वो सारा का सारा हैक हो चुका है। हो सकता है लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल हो और उसमें एक आप भी हो, तो आपका डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लेकिन लिंक्डइन ने कहा है कि वो इसको जल्दी फिक्स करेंगे और अपने सिक्योरिटी ब्रिचेस को जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।